हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं मिस्ट्रीज इन हिंदी और उर्दू ऑडियो बुक्स चैनल पर द एडवेंचर ऑफ वेस्टर्न स्टार, एक शॉर्ट स्टोरी। इसकी राइटर है अगाथा क्रिस्टी। पायरो के फ्लैट पर बेल बजी और अंदर आने वाली मिस मैरी मार्वेल थी। मिस मैरी मार्वेल एक अमेरिकन फिल्म स्टार थी। वो कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड आई थी उसके एक्टर हस्बैंड ग्रिगोरी बी रॉल्फ के साथ। इंग्लैंड ने मैरी मार्वेल को बहुत शानदार रिसेप्शन दिया था। वहाँ उसके बहुत सारे फैंस थे और मैरी मार्वेल के कपड़ों, ज्वेलरी, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी और न्यूज़पेपर्स में उसका बहुत जिक्र आ रहा था। एक ख़ास ज्वेल जिसका नाम था वेस्टर्न स्टार, वो बहुत मशहूर हो रहा था। न्यूज़पेपर्स में ये भी आ रहा था कि मैरी मार्वेल ने उस मशहूर हीरे द वेस्टर्न स्टार को 50,000 पाउंड्स का इंश्योरेंस करवाया है। ये सारे डिटेल्स हेस्टिंग्स के माइंड में तेज़ी से चल रहे थे उतनी देर में जब तक पायरो मिस मार्वेल से शेक हैंड करते हुए उसे बैठने के लिए कह रहा था। मैरी मार्वेल के बैठने के बाद पायरो ने उसे पूछा, आपके यहाँ आने की वजह क्या है? मैरी मार्वेल स्माइल करके बोली, मुझे लॉर्ड कॉन्शा से पता चला है कि आप बहुत अच्छा केसेस करते हैं। ये कुछ दिनों से मुझे कुछ अजीब लेटर्स मिल रहे हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। उसने 3 एनवलप्स निकाल कर पायरो को दिखाते हुए कहा। पायरो ने एनवलप्स खोलकर लेटर निकाल कर गौर से देखा। वो सब टाइप्ड लेटर्स थे। उसमें लिखा था, वो कीमती डायमंड जो गॉड का लेफ्ट आई है वो उसे वापस करना होगा। सेकंड लेटर में भी सेम यही मैटर था। थर्ड लेटर थोड़ा सा अलग था। थर्ड लेटर में लिखा हुआ था, तुम्हें वार्न किया जाता है कि हमें हीरा फुल मून नाइट से पहले चाहिए। फुल मून नाइट को गॉड के राइट और लेफ्ट आई दोनों हीरे हमें मिल जाना चाहिए। एक हीरा तुम्हारे पास है, वो ले लिया जाएगा। मिस मैरी मार्वेल ने कहा, मैं फर्स्ट और सेकंड लेटर को जोक समझकर अनजान मार रही थी, लेकिन थर्ड लेटर मिलने के बाद मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा है। ये वेस्टर्न स्टार मेरा फेवरेट हीरा है, उसने कहा। क्या ये लेटर्स आपको पोस्ट से मिलते हैं? पायरो ने पूछा। नहीं, मैरी मार्वेल बोली, ये लेटर्स एक चाइना का आदमी होटल के रूम के सामने छोड़कर जाता है। यही वजह से मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है, वो बोली। क्यों, इसमें डरने की क्या बात है? पायरो ने पूछा। क्योंकि, मैरी मार्वेल बोली, सैन फ्रांसिस्को में 3 साल पहले मेरे हस्बैंड ग्रिगोरी ने ये हीरे एक चाइना के आदमी से ही खरीदे थे। ग्रिगोरी ने बताया था कि चाइना के आदमी ने बेचते वक्त उसे कहा था कि उस हीरे के साथ कोई स्टोरी अटैच है। पायरो ने कहा, हेस्टिंग्स, क्या तुम मुझे कैलेंडर दोगे? मुझे देखना है कि फुल मून नाइट कब है। हेस्टिंग्स ने कैलेंडर दे दिया। पायरो ने देखकर कहा, फुल मून नाइट आज से 3 दिन के बाद है, फ्राइडे को, उसने कहा। वैसे तो मुझे ये लेटर्स झूठ लग रहे हैं, लेकिन बस वक्त ऐसे लोग चोरी भी कर लेते हैं, पायरो बोला। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप नेक्स्ट फ्राइडे तक ये जो द वेस्टर्न स्टार मेरे पास रखा कर चले जाइए। मैरी मार्वेल 1 मिनट के लिए खामोश हो गई। उसने थोड़ा परेशानी से कहा, मुझे अफसोस है मिस्टर पायरो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो बोली। क्या आप वो हीरा अपने साथ नहीं लाई हैं? पायरो ने पूछा। मैं वो हीरा अपने साथ लाई हूँ, उसने अपने गले से चेन निकाल कर दिखाते हुए कहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ये हीरा लेडी यार्डली की पार्टी में पहनकर जाऊँ जो 2 दिन बाद है, वो बोली। और आप इतने कीमती हीरे को ऐसे ही पहनकर आ गई? पायरो ने कहा। आपके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है? ऐसा नहीं है मिस्टर पायरो, मेरी मार्वल जल्दी से बोली, मैं आपको दिखाने के लिए आज ये हीरा पहनकर आई हूँ, वरना ये हीरा मेरे पास सेफ में लॉक रहता है और हम लोग मैग्निफिसेंट होटल में ठहरे हुए हैं, उसने बताया। लॉर्ड और लेडी यार्डली के नाम से हेस्टिंग्स के दिमाग में दूसरे सोसाइटी गॉसिप्स आने लगे। क्या था जो उसने सोसाइटी गॉसिप मैगजीन में पढ़ा था? उसने अपने दिमाग पर गौर
डालकर सोचा। उसे याद आया कि लास्ट ईयर लॉर्ड और लेडी यार्डली यूनाइटेड स्टेट्स गए थे। र्यूमर्स में था कि लेडी यार्डली का अफेयर किसी अमेरिकन फिल्म स्टार से चल रहा था। जब क्या नाम था उस फिल्म एक्टर का, हेस्टिंग्स ने दिमाग पर जोर डालकर सोचा। अरे वो तो ग्रिगोरी बी रॉल्फ था, जो कि मेरी मार्वल का हस्बैंड है, उसे याद आया। क्या आप वहाँ बगैर अपना ये कीमती हीरा लिए नहीं जा सकती, पायरो ने पूछा। नहीं, मेरी मार्वल बोली। क्या आप लोग सोसाइटी गॉसिप नहीं पढ़ते, उसने कहा। इस वीक के एडिशन में आया है कि लेडी यार्डली के पास एक बहुत ही कीमती हीरा है जिसका नाम है स्टार ऑफ द ईस्ट, उसने कहा। और वो हीरा भी इत्तेफाक से चाइना से ही खरीदा गया था, और उसके साथ भी कोई अजीब स्टोरी अटैच है, उसने आगे कहा। हेस्टिंग्स ने जल्दी से सोसाइटी गॉसिप मैगजीन के पेजेस पलटाने शुरू कर दिए। उसे वो आर्टिकल ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा जिसमें लिखा हुआ था कि स्टोरी के हिसाब से चाइना के टेंपल गॉड के दो आंखों में दो हीरे लगे हुए थे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेफ्ट आई में वेस्टर्न स्टार और राइट आई में ईस्ट स्टार लिखा हुआ था। इतने में मेरी मावल का हस्बैंड ग्रिगोरी रोल्फ भी पैडो के फ्लैट में आ गया। उसने आते ही पूछा, आपका क्या ख्याल है मिस्टर पायरो इन लेटर्स के बारे में, उसने आते ही पूछा। मुझे तो लगता है ये सब एक फ्रॉड है, वो आगे बोला। पायरो बोला, मैंने आपकी वाइफ को एडवाइस दिया है कि लेडी यार्डली की पार्टी में वो ये हीरा पहनकर ना जाए। सही कहा आपने, ग्रिगोरी रॉल्फ हंसकर बोला, लेकिन मेरी वाइफ को शो ऑफ करना इतना ज़्यादा पसंद है कि वो किसी की भी एडवाइस नहीं लेती, उसने आगे कहा। नॉनसेंस, मेरी मार्वल उठते हुए बोली। अगर मिस्टर पायरो आप हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो अब हमें चलना चाहिए, वो बाहर निकल गई। उसका हस्बैंड भी उसके पीछे चला गया। उन दोनों के जाने के बाद पायरो ने हेस्टिंग्स से कहा, मुझे कुछ काम है, इसी के साथ ही वो चला गया। हेस्टिंग्स अकेला फ्लैट में बैठा रहा। एक बार फिर पायरो के फ्लैट पर बेल बजी। अंदर आने वाली लेडी यार्डली थी। हेस्टिंग्स ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो जल्दी से उठता हुआ बोला, मेरे दोस्त पायरो बाहर गए हैं किसी काम से, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं, वो बोला। लेडी यार्डली को डाउटफुल देखकर हेस्टिंग्स ने खुद ही पूछा, क्या आपको भी आपके डायमंड स्टार ऑफ द ईस्ट की चोरी के लिए लेटर्स मिलने लगे हैं, आपको कैसे मालूम है, उसने हैरत से पूछा। हेस्टिंग्स अपनी किस्मत पर खुश होता हुआ बोला, क्योंकि थोड़ी देर पहले मिस मेरी मार्वल यहाँ आकर गई थी और उसने बताया कि उसे वार्निंग वाले लेटर्स मिल रहे हैं, उसने कहा। लेडी यार्डली बोली, मुझे जो लेटर्स मिले हैं वो किसी चाइना के आदमी ने नहीं रखे हैं मेरे घर के सामने, वो बोली। मुझे वो लेटर्स पोस्ट से मिले हैं। क्या आपके पास वो लेटर्स और एनवेलप्स हैं, हेस्टिंग्स ने पूछा। नहीं, लेडी यार्डली बोली, मैंने पढ़ते ही वो लेटर्स और एनवेलप्स जला दिए थे। मुझे लगता है कि कोई चाइना का गैंग है जो हीरों को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, हेस्टिंग्स बोला। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेडी यार्डली बोली। फिर वो उठते हुए बोली, मुझे अफसोस है कि मिस्टर पायरो से मैं नहीं मिल सकी, उसने शेक हैंड्स करने के हुए कहा। आपका नाम क्या है सर, उसने पूछा। कैप्टन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स जल्दी से बोला। दूसरे दिन पायरो और हेस्टिंग्स लॉर्ड यार्डली से मिलने गए थे। लॉर्ड यार्डली ने बताया कि उसे उन लेटर्स पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। उसे लगता है कि वो सब सोसाइटी गॉसिप में भी जो आर्टिकल था सब झूठ है। लॉर्ड यार्डली ने बताया कि ग्रिगोरी रॉल्फ ने उसे बहुत ज़्यादा पैसा ऑफर किया है उसके इस्टेट यार्डली चेस पर शूटिंग करने के लिए। लॉर्ड यार्डली खुद कर्जे में डूबा हुआ है, उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके पास पैसा कमाने के अब सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो ग्रिगोरी रॉल्फ को अपने घर में शूटिंग करने दे, या फिर उसकी फैमिली का मशहूर हीरा स्टार ऑफ द ईस्ट को बेच दे। लॉर्ड यार्डली ने बताया कि उसकी वाइफ लेडी यार्डली शूटिंग की परमिशन देना चाहती है और हीरा बेचने के सख्त खिलाफ है। लॉर्ड यार्डली की रिक्वेस्ट पर पायरो ने प्रॉमिस किया कि वो लॉर्ड यार्डली का हीरा चोरी होने नहीं देगा। पायरो और हेस्टिंग्स यार्डली चेस को 5 बजे के बाद शाम को जाने वाले थे।
उसी शाम को पायरो और कैप्टन हेस्टिंग्स यार्डली चेस गए, जो लॉर्ड और लेडी यार्डली का घर था। वहाँ लॉर्ड यार्डली ने उन्हें ग्रीट किया और सिटिंग रूम में बिठाया। लेडी यार्डली अपने बच्चों के साथ खुश बैठी हुई थी। कुछ मिनट्स इधर उधर की बातें करने के बाद पायरो ने कहा कि वो स्टार ऑफ द ईस्ट डायमंड देखना चाहता है। लेडी यार्डली ऊपर अपने रूम में गई उस हीरे को लेकर आने। जब वो वापस आई तो उसके गले में एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस था जिसमें एक हीरा था, लेकिन वहाँ पर उसने अपना हाथ रख लिया था ताकि कोई देख नहीं सके। शाम का अंधेरा बढ़ रहा था। लेडी यार्डली बोली, अब आप सबसे कीमती हीरे को देखने वाले हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप उसे अच्छी रोशनियों में देखें। ये कहते हुए वो लॉबी में निकली जहाँ लाइट के स्विचेस थे। जैसे ही वो बाहर निकली, अचानक ही उसके पीछे डोर तेज़ी से बंद हो गया और रूम में पहले से ज़्यादा गहरा अंधेरा छा। अंदर बैठे तीनों लोगों को अचानक ही लेडी यार्डली की ज़ोर से चीख सुनाई। अच्छा ही हुआ था कि इससे पहले उन लोगों ने बच्चों को उनके रूम्स में भिजा दिया था। इस वक्त गहरे अंधेरे में वो लोग डोर की तरफ भागे और एक दूसरे से टकरा गए। जब उन लोगों ने डोर खोलकर देखा तो उन्हें लेडी यार्डली बाहर ज़मीन पर गिरी हुई दिखाई दी। वो आधी बेहोश। लॉर्ड यार्डली ने उसे हिलाकर पूछा, क्या हो रहा है ये सब कुछ? उसने दरवाजे की तरफ दूर कॉर्नर में लॉबी के बताते हुए कहा, चाइना का आदमी था, उसने मेरे गले से नेकलेस खींच ली और उस तरफ से भाग गया। लॉर्ड यार्डली और हेस्टिंग्स लॉबी के कोने पर बने उस छोटे से दरवाजे की तरफ भागे। रास्ते में उन्हें वो नेकलेस पड़ा हुआ मिला, लेकिन उसमें अब डायमंड नहीं था। उन दोनों ने उस छोटे से एग्जिट डोर को खोलकर देखा, बाहर कोई भी नहीं था दूर दूर तक, और रास्ते में एक छोटा सा फटा हुआ लाल कलर का कपड़ा पड़ा। शायद वो उस चाइना के आदमी के ड्रेस से फट गया होगा, क्योंकि वो भागता हुआ बहुत तेज़ी से डोर से निकला होगा उस वक्त। हेस्टिंग्स ने बाहर अच्छी तरीके से ढूंढ कर आने के बाद जब वो लोग सिटिंग रूम में आए तो उन्होंने देखा कि लेडी यार्डली पायरो की हेल्प से वहाँ आकर बैठ चुकी है। लेडी यार्डली बहुत रिलैक्स होकर पायरो से बातें कर रही थी, और पायरो खुद ऐसे मामलों में एक औरत से कम नहीं है, हेस्टिंग्स ने हैरत से सोचा। हेस्टिंग्स ने पायरो को वो नेकलेस बताया जिसमें सुराख था हीरे की जगह पर, और वो फटा हुआ कपड़ा जो उसे साइड डोर में मिला था। पायरो को वो चीज़ें देखते ही सीरियस हो गया। पायरो लॉर्ड यार्डली से बोला, हम कुछ भी नहीं कर पाए और हीरे की चोरी हो गई, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपका हीरा ढूँढ कर जल्दी से जल्दी आपको वापस करूँगा। लॉर्ड यार्डली बोला, मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा अगर वो हीरा मुझे वापस मिल गया तो। थोड़ी देर बाद पायरो और हेस्टिंग्स टैक्सी लेकर वापस जा रहे थे। टैक्सी में हेस्टिंग्स ने पायरो को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि उन लोगों को इसी वक्त मैग्निफिसेंट होटल जाकर दूसरा हीरा चोरी होने से बचाने की कोशिश करना चाहिए। हेस्टिंग्स को लग रहा था कि उसी वक्त दूसरा हीरा द वेस्टर्न स्टार भी खतरे में है, लेकिन पायरो सिर्फ अपने घर वापस जाना। दूसरे दिन सुबह उठकर भी हेस्टिंग्स ने कहा कि हमें मैग्निफिसेंट होटल चलना चाहिए, लेकिन पायरो दोपहर तक बाहर ही नहीं निकला। दोपहर को वो दोनों मैग्निफिसेंट होटल पहुंचे। वहां पहुंचने पर एक काउंटर क्लर्क ने उन्हें बताया कि एक चाइना का आदमी जो कि मिस्टर जॉर्ज रोल्फ का भेष बदले हुए था, उसने आकर उन लोगों से वो डब्बा मांगा जिसमें डायमंड रखा हुआ था। उन लोगों ने समझा कि मिस्टर रोल्फ खुद वो डब्बा वापस चाहते हैं, इसीलिए उन लोगों ने उसे वो डिब्बा दे दिया और उसने लॉक खोलकर हीरा निकाल लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब असली मिस्टर जॉर्ज आए और डब्बा पूछा, तब पता चला कि पहले वाला नकली आदमी था। हेस्टिंग्स बोला, इसीलिए मैं सुबह से जल्दी आना चाहता था, अगर हम जल्दी आते तो ये सब नहीं होता था। पायरोस की बात पर ध्यान दिए बगैर मिस्टर ग्रिगोरी से बोला, क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगे? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट मैटर पर बात करना है। मैग्निफिसेंट होटल से वापसी पर पायरो ने एक टेलीग्राम लॉर्ड यार्डली को भेजा जिसमें लिखा था कि वो 4 बजे
वाइडो के फ्लैट पर आकर मिले। शाम के 4 बजे पायरो के फ्लैट की बेल बजी। लॉर्ड यार्डली अंदर आया। उसने आते ही पूछा, आपने मुझे अचानक क्यों बुलाया मिस्टर पायरो, उसने पूछा। पायरो ने अपनी पॉकेट से एक हीरा निकाल कर उसे देते हुए कहा, क्या यही आपका हीरा द स्टार ऑफ द ईस्ट है, उसने पूछा। लॉर्ड यार्डली हीरा लेकर हैरत से देखता हुआ बोला, हाँ ये वही है, आपको कैसे मिला ये। ये एक लंबी कहानी है, पायरो बोला, मैं डिटेल में आपको बता नहीं सकता, लेकिन अब आपको हीरा मिल गया है, इसीलिए आप खुशी से यहाँ से जा सकते हैं। लॉर्ड यार्डली हैरत से उसे देखता हुआ हीरा लेकर वापस चला गया। लॉर्ड यार्डली के जाने के बाद हेस्टिंग्स ने पूछा, क्या हो रहा है ये सब कुछ, हीरा आपके पास कैसे आया। पायरो बोला, वो चाइना का आदमी वार्निंग लेटर्स, सोसाइटी गॉसिप का आर्टिकल और 2 हीरों की मशहूर कहानी, ये सब कुछ मिस्टर रॉल्फ की बनाई हुई स्टोरीज में थी। एक्चुअली में 2 हीरे का कोई ओरिजिन ही नहीं है, सिर्फ एक ही हीरा था यार्डली कलेक्शन में और वो 3 साल से गायब हो गया था। लेकिन लॉर्ड यार्डली को पता नहीं चल सका क्योंकि उसकी जगह इमिटेशन रख दिया गया था। लेडी यार्डली जब 3 साल पहले स्टेट्स गई थी तो उसका अफेयर एक एक्टर के साथ था जिसका नाम ग्रिगोरी रॉल्फ था। हाँ ये बात मुझे मालूम है, हेस्टिंग्स बोला, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम मेरे दोस्त के ग्रिगोरी रॉल्फ ने लेडी यार्डली को उसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेडी यार्डली के पास खुद के पास पैसे नहीं होने की वजह से उसने स्टार ऑफ द ईस्ट नाम का डायमंड ग्रिगोरी रॉल्फ को दे दिया था 3 साल पहले। लेकिन अब अचानक उसके हस्बैंड लॉर्ड यार्डली को उस हीरे की ज़रूरत पड़ गई बिजनेस में लॉसेस की वजह से। लेडी यार्डली ने लेटर्स लिखकर ग्रिगोरी रॉल्फ से कहा कि वो हीरा वापस कर दे। ग्रिगोरी रॉल्फ ने हीरा वापस करने के बजाय नई स्कीम सोच ली। उसने चालाकी से एक और डायमंड जो उतना कॉस्टली नहीं था खरीद कर अपनी वाइफ को गिफ्ट में दे दिया और मशहूर करा दिया कि वो द वेस्टर्न स्टार है। उसकी वाइफ मेरी मार्वल ने उस खुद का हीरा द वेस्टर्न स्टार को 50,000 पाउंड्स पर इंश्योर्ड करवाया था। ग्रिगोरी रॉल्फ का प्लान था कि वो चोरी का स्टंट करके साबित कर देगा कि यार्डली कलेक्शंस का हीरा चोरी हो गया है और द वेस्टर्न स्टार नाम के हीरे को चुराने के लिए उसने मैग्निफिसेंट होटल में खुद ही अपना हुलिया चेंज करके चाइनीज़ की तरह कर लिया। अपने आईब्रोज और आईलैशेस को भी उसने चाइनीज़ स्टाइल में मोड़ लिए। काउंटर क्लर्क देखकर समझी कि पहले वही गोरी रॉल्फ है और उसका ख्याल सही भी था। बाद में वो खुद अपने असली हुलिये में आकर फिर से डब्बा पूछने लगा तो काउंटर क्लर्क समझी कि उसने कन्फ्यूजन में गलत आदमी को जो चाइनीज़ तर्क की तरह दिखता था उसे ग्रिगोरी रॉल्फ समझकर डब्बा दे दिया है और वेस्टर्न स्टार नाम के हीरे की चोरी हो गई है। इस तरह होशियारी से ग्रिगोरी रॉल्फ के पास असली यार्डली कलेक्शंस का हीरा भी रहता था और साथ ही साथ इंश्योरेंस के 50,000 भी वो क्लेम करके लेने वाला था। लेकिन मैंने उसे दोपहर में पूछताछ में उसे धमका कर कहा कि अगर वो मुझे यार्डली कलेक्शंस का असली हीरा नहीं देगा तो मैं पुलिस में उसे पकड़वा दूंगा, तो वो डर गया और उसने हीरा दे दिया। लेकिन अभी भी वो इंश्योरेंस के 50,000 तो क्लेम करेगा ही, पायरो बोला। लेकिन कल शाम जब हम यार्डली चेस गए तब लेडी यार्डली के पास वो हीरा था, हेस्टिंग्स बोला, और उसकी चोरी भी हमारी आंखों के सामने हुई थी। यही तो तुम मिस्टेक कर रहे हो माय फ्रेंड, पायरो बोला। तुम्हें याद है कि लेडी यार्डली ने नेकलेस पर हाथ रख लिया था जहाँ हीरा था। एक्चुअली वो इमिटेशन वाला हीरा पहले से लगा हुआ था जिसे उसने अपने रूम में प्लायर्स की हेल्प से निकाल लिया था। सोचने की बात यह है कि कोई भी नेकलेस में असली हीरा रहो या नकली, उसे निकालने में 2 सेकंड का टाइम नहीं लगता, पायरो हंसकर बोला, जबकि तुमने इसी बात पर गौर किया ही नहीं। ओह मुझे टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं रहा, हेस्टिंग्स अफसोस से बोला।
पूरी स्टोरी सुनने के बाद हेस्टिंग्स बोला, बेचारी मेरी मार्वल, उसका हीरा भी चला गया और उसे कुछ मिला भी नहीं। मेरे ख्याल से वो खुद की पब्लिसिटी से बहुत ज़्यादा खुश है, पायरो बोला, उसे हीरे की उतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी।